जो कैश काउंटर है जो हमको पसंद है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफी वेल नोन प्लेयर है, जिस कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी और अनुमान था कि सेकंड हाफ में ग्रोथ ज्यादा जोर से आएगा, हमको लग रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छा पोजिशनल पिक हो सकता है करीबन 6 से 12 महीने के लिए। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की ब्रांड पोजिशनिंग और इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, हमको लग रहा है कि करीबन 400-410 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, ये इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। और दूसरा जो नियर टर्म में शॉर्ट टर्म पिक रहेगा वो बेसिकली अडानी पोर्ट्स रहेगा। आज कंपनी के नतीजे में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के पोर्ट के वॉल्यूम्स पिछले 2-3 महीने से बढ़े हैं, इसका फायदा अडानी पोर्ट्स को जरूर होगा। नतीजे मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग आएंगे। ऊपर से जिस प्रकार की एक्सपांशन इन्होंने काफी पहले से अनाउंस की है, काफी पोर्ट एक्विजिशन किया है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहने की उम्मीद है। तो ये भी एक एक्युमुलेट करने वाला स्टॉक है, करीबन 740 का भी रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 6 से 12 मंथ्स का नजरिया लेते हैं तो 870-900 का भी टारगेट पॉसिबल है। बट डेफिनेटली रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो आपको आने वाले 1-2 दिन में भी शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो आज अदानी पोर्ट्स के भी नतीजे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस के भी, तो नतीजों के लिहाज से लंबी लिस्ट है और यहां पर खरीदारी करने के लिए आए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से प्रभावित हुए हैं जो कल कल सुबह हमारे साथ आपके साथ हैं। हमारे साथ राकेश खन्ना साहब थे और वाकई में उन्होंने कल न्यूज पर यूज में हमसे जो बात की, जी बड़ा स्ट्रांग आउटलुक दिया है कि गजब का डिमांड है, गजब की प्राइसिंग पावर है। थोड़े मार्जिन को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं हैं लेकिन मुनाफा दमदार बनते हुए नजर आ रहा है। आईआरबी इंफ्रा, अविनाश जी जरा इस पर राय दें, जो बड़ी डील हुई है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफी लोअर, करीब 25% के डिस्काउंट पर होगा ये, बट आईआरबी इंफ्रा कैसे देखें इस बड़े अलॉटमेंट को और उसके बाद जो कर्ज कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आई थिंक दीपांशु डेफिनेटली न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, हालांकि 25% के डिस्काउंट पे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी की डेट पोजीशन पोस्ट इस इशू के बाद देखें तो काफ़ी हद तक ये इनके लीवरेज के लिए और इनके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी आने से और ये कर्जा कम होने से आगे का जो पीरियड रहेगा वहाँ पे हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ में अच्छा इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली इवन मैं समझता हूँ कि इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदना चाहे और अगर स्टॉक थोड़ा सा वीक ओपन हो तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक क्वासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है और जिस प्रकार से इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है आने वाले 6 से 8 महीने में, हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ये एक मार्केट लीडर है, तो इसको जरूर फायदा होना चाहिए। क्या राय है सर निपॉन लाइफ पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए पूरे एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हमको लग रहा है कि जो दिग्गज प्लेयर्स है जैसे कि HDFC है, ICICI है, रिलायंस है, सॉरी निपॉन है, हमको लग रहा है कि ये ऐसा बिजनेस है जो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज देता है। यहाँ पे खर्चे बहुत कम होते हैं और नॉर्मली तेजी के बाजार में जब फ्लोज अच्छे होते हैं तभी इन कंपनीज को डेफिनेटली अपने प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी फाइनेंशियल लिटरेसी हो चुकी है, म्यूचुअल फंड्स में बिजनेस आ रहा है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस कंपनी को भी फायदा होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म नतीजे मत देखिए बट लॉन्गर टर्म पोटेंशियल देखिए। जिस प्रकार की तेजी हमने ICICI और HDFC में देखी है, मुझे लग रहा है कि इनका भी डेफिनेटली प्रोडक्ट पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग है, फंड मैनेजमेंट साइड से भी काफी दिग्गज टीम है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में पैसा डालना है तो मुझे लग रहा है ये अच्छी खासी प्राइस रहेगी। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे आगे। इनफैक्ट अनिल जी ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मिड कैप IT स्पेस में जिस प्रकार के टेलवेंड्स दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नतीजे के बाद आगे के जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रहेंगे वहां पे अनुमान है कि काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो इस लेवल पे तो जरूर बेचना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है अभी भी होल्ड करिए, मुझे लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में काफी अच्छी ट्रैक्शन कंपनी दिखाने की कैपेसिटी रखता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पोजिशनल पिक IT मिड कैप IT में से साबित हो सकता है। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु आपने सही कहा कि देखिए प्राइस हाइक ना करने के कारण से ही मार्जिन में बहुत बड़ा नुकसान शॉर्ट टर्म में कंपनी ने अपने सेकंड क्वार्टर में भुगता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि इन्होंने प्राइस हाइक्स क्यों नहीं बढ़ाए, लेकिन आई थिंक अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये बेसिकली प्राइस हाइक्स इन्होंने बढ़ाया नहीं क्योंकि ये बेसिकली कॉम्पिटिशन को मारना चाहते थे और ये एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं। अभी शायद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं
और ये इनके लिए काफी दिक्कत की बात हो रही है कि एट दिस लेवल इनको मैनेज नहीं करना है, तो ये जो 9% का हाइक है वो डेफिनेटली बहुत ही स्टीप है। हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको कैसे लेती है, क्योंकि नॉर्मली यू नो ये प्राइस सेंसिटिव वाला प्रोडक्ट तो है नहीं, इनकी मार्केट लीडरशिप भी है, तो ये डेफिनेटली आगे आने वाले 1 या 2 महीने में होपफुली सबसाइड होगा और ये यू नो मार्केट्स इसको पचा लेगी। तो मेरे ख्याल से जो तीसरी तिमाही होगी उसमें इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो भी कमजोरी पहले कंपनी ने देखी थी प्योरली मार्जिन्स के ऊपर प्लस थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो गए थे जहां पे कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिए, ये मेरे ख्याल से सब पीछे रहेगा और आगे आने वाले समय में ये स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करने की अपेक्षा रखता है।